बच्चों, वीर कुंवर सिंह की गिनती उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में होती है जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए बहुत ही कठोर संघर्ष किया था। वीर कुंवर सिंह ने सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिंदी से चैप्टर 17 का सारांश, जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। बच्चों, इस पाठ में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा कुंवर सिंह की वीरता और साहस का वर्णन किया गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। बच्चों, 3 मई सन 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया। बच्चों, सन 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, बक खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान, राव तुलाराम इत्यादि थे। इस आंदोलन में कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। बच्चों, वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर रियासत में हुआ था। उनके माता पिता पंचरत्न कुंवर और साहबजादा सिंह थे। कुंवर सिंह अपने पिता की तरह वीर, स्वाभिमानी और उदार थे। पिता की मृत्यु के बाद 1827 ईस्वी में उन्होंने जगदीशपुर रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अंग्रेजी की सरकार से डटकर लोहा दिया। बच्चों, 25 जुलाई सन 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और वे सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय आरा क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया। जो जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग और आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी और वे भावी संग्राम की योजना में तुरंत लग गए। बच्चों, उन्होंने सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति की आग को जलाए रखा। लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कुंवर सिंह ने 22 मार्च सन 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बच्चों, अंग्रेजों के आक्रमण करने पर उन्होंने दोबारा भी हराया और कुंवर सिंह 23 अप्रैल सन 1858 को स्वतंत्रता का विजय झंडा लहराकर जगदीशपुर चले गए। लेकिन इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल सन 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया। बच्चों, वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। वे अत्यंत चतुर तथा साहसी योद्धा थे। उन्होंने अनेकों बार अंग्रेजों को चकमा दिया। एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापति डगलस को झूठी खबर में फंसाकर अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर गए। बच्चों, कुंवर सिंह एक कुशल योद्धा के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते थे। उन्होंने अपने समय में निर्धनों की सहायता की, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। वे अत्यंत उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। लोक भाषाओं में आज भी उस वीर सेनानी का ये ज्ञान किया जाता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।